फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक अभी की बड़ी अपडेट निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से, तो आज की कौन सी बड़ी खबर है इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, साथ ही त्रस्ती पंचायत चुनाव में होने वाले बदलावों के बारे में बताएंगे और कैसा रहेगा आरक्षण और आरक्षण का फार्मूला क्या है इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अपडेट देते हैं। आपको बता दें त्रस्तीय पंचायत चुनाव की तैयारियाँ तेज होती जा रही हैं, लोगों को आरक्षण सूची का इंतजार है। इस समय अधिकांश जिलों में प्रशासनिक स्तर पर आरक्षण सूची का काम चल रहा है। क्षेत्र पंचायत की सीटों पर आरक्षण निर्धारित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने पिछले 5 चुनाव आरक्षित सीटों की सूची निदेशालय भेज दी है। अब ग्राम पंचायतों की सीटों के आरक्षण के लिए 5 वर्षों में हुए पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची तैयार कराई जा रही है। आपको बता दें ऐसे तय हो सकता है सीटों का आरक्षण। मान लें किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें हैं। 2015 में चुनाव में शुरू की 27 ग्राम प्रधान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए थे, तो इस बार पंचायत चुनाव में 27 आगे वाली ग्राम पंचायतों की आबादी अवरोही क्रम में घटती हुई आबादी के प्रधान पद आरक्षित होंगे। आगे आपको बता दें इसी तरह से किसी एक विकास खंड में 100 ग्राम पंचायतें और 2015 के चुनाव में शुरू की 21 पंचायतों के प्रधान पद की SC के लिए आरक्षित हुए थे, तो इन 21 पदों से आने वाली ग्राम पंचायतों के पद अवरोही क्रम में SC के लिए आरक्षित होंगे। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण का चक्रानुक्रम फार्मूला, पहले SC ST महिला, फिर ST महिला पुरुष, पहले SC महिला, फिर SC महिला पुरुष, पहले OBC महिला, फिर OBC महिला पुरुष, अगर तब भी महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण पूरा ना हो तो महिला, इसके बाद अनारक्षित। पहले पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण की प्रक्रिया जिला स्तर पर समिति के माध्यम से कराई जाती थी, लेकिन इस बार शासन स्तर पर पंचायतों की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। इसमें जुगाड़ में सहारे आरक्षण में फेराफेरी करने वाली मंशा रखने वाले संभावित प्रत्याशियों को झटका लगा है। हालांकि लोग अभी भी मानने में को तैयार नहीं है कि DPRO कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। DPRO ने बताया कि क्षेत्र पंचायत सीटों का आरक्षण के लिए 2015, 2010, 2005, 2000 और 1995 पंचायत चुनाव के दौरान लागू आरक्षण की ब्लॉकवार सूची निदेशालय भेजी गई है, जिसके आधार पर 2021 में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह से ग्राम पंचायतों की सीटों का आरक्षण के लिए पिछले 5 बार हो चुके पंचायत चुनाव में आरक्षण की सूची तैयार कराई जा रही है, जिसे जल्द ही निदेशालय भेजा जाएगा। शासन में सीटों का आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। दोस्तों वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।